सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की न्यूज़ की शुरुआत हम करेंगे TSM FTX के निंजा के साथ। सो गाइस, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि TSM FTX के निंजा जो है वो बहुत जल्द स्ट्रीम करने वाले हैं। तो फाइनली गाइस, इनका जो हमें कल एक स्ट्रीम देखने को मिलता है और इनके लाइव चैट पर बहुत सारे बंदे जो है इनसे पूछ रहे हैं कि आपसे जो है हैकिंग के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ पर अपने क्या व्यूज़ रखते हो और आप जो है इस चीज़ पर क्या रिएक्ट करते हो। तो उन्होंने क्या कुछ रिप्लाई किया, आप अपने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो। What do you think about the hack allegations? I think they are just doing it for views and fame, but you are proving it with the grind you guys have done. All the best for future. अरे भाई, वो लोग को बोलने दो हैकर भाई, हम अपना ग्राइंड कर रहे हैं ना, हम दिखा रहे हैं, हम प्रूफ भी कर रहे हैं, तो करने दो कोई ना। बंदे तो बोलेंगे, बहुत बोले, हमको वो इग्नोर करना है, हमको आगे बढ़ना है बस ग्राइंड करके। वो भी हमको प्यार करेंगे जब हम प्रूफ करेंगे। सो गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि गाइस जरा गोल्डी भाई की तरफ से। तो गाइस, गोल्डी भाई जब रिसेंटली लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उधर किसी बंदे ने उनसे लाइव चैट पर पूछा कि सोल से जो हमें होप छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सोल का उतना अच्छा हमें डोमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा, ना ही ग्राइंड देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ का जो गोल्डी भाई भी जो है काफ़ी एपिक रिप्लाई करते हैं। और गाइस, मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊँ तो गाइस, सोल का जो है हमें बहुत जल्द डोमिनेशन देखने को मिल रहा है और वो जो है डे बाय डे जो है इंक्रीज ही कर रहा है उनका परफॉर्मेंस। अगर आप रिसेंटली 2-3 दिन के अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिला है। और गाइस, में इसका चीज़ का जो गोल्डी भाई भी काफ़ी रिप्लाई करते हैं, तो गाइस उसका एक छोटा सा क्लिप आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सोल से होप छोड़ दूं क्या गोल्डी भाई, क्या करूं इतना दुख भाई, अब मैं क्या बोलूं शशांक भाई, इसमें आप छोड़ सकते हो, होप छोड़ना चाहो तो आपका अपना ओपिनियन है, आप छोड़ सकते हो बिल्कुल, और पूछने की जरूरत ही नहीं है इसमें, आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। जब आपको ऐसा ख्याल आ गया कि आपको होप छोड़ देनी चाहिए तो आप छोड़ ही दो ना, और इतना दुखी मत होइए भाई शशांक भाई। सोल अगर ट्रॉफी जीतेगी या पैसा जीतेगी, प्राइज मनी जीतेगी, उसका कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, इतना दुखी मत होइए। और गाइस, साथ ही साथ गोल्डी भाई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा क्वेन सेशन भी रखा था, जिधर गाइस उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, जिसमें से गाइस एक क्वेश्चन था कि टोटल अभी SA12 के पास कितनी सारी ट्रॉफीज है, जिस पर की रिप्लाई लेते हुए गोल्डी भाई ने बताया कि टोटल SA12 के पास अभी 10 ट्रॉफीज है, जिनमें से गाइस 8 जो है एडबिट के साथ है, जिसमें से एक पबजी का है, 4 क्लैश रॉयल का है और 3 क्लैश ऑफ क्लैन का है। और गाइस, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि टोटल सोल के पास 2 ट्रॉफीज है, तो सोल का जो 2 पबजी का ट्रॉफीज है, तो टोटल मिला के 10 ट्रॉफीज हो जाते हैं। सो गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि गाइस जरा एस पावर को लेकर। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि अभी काफ़ी सारे ऐसे लीक्स देखने को हमें मिले थे, जिसमें कि गाइस पता चल रहा था कि जो TSM FTX की लाइनअप है उसके साथ जो है एस पावर खेल रहे हैं, और गाइस जो एक न्यू प्लेयर उनके साथ खेल रहा था वो एस पावर ही थे, ऐसे लीक्स हमें देखने को मिले थे। जिस पर कि गाइस जब गोटल अमर लाइव आए थे तो उनसे बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि जो एस पावर है क्या वो TSM FTX ज्वाइन कर रहे हैं। तो गाइस, इस चीज़ पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप अपने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो। पावर जॉइनिंग TSM FTX, तो उस पावर गॉडल में ही है, गॉडल से ही खेलेगा, जब तक उसकी एज कंप्लीट नहीं होती तब तक वो गॉडल में ही रहेगा। एज कंप्लीट नहीं होती मतलब एज कंप्लीट होने के बाद भी वो गॉडल में ही रहेगा, भगवान जैसा। ऐसे नहीं भगवान जैसा भाई, कल्किन वाले आईडी से पावर खेल रहा था TSM के साथ, आई डोंट नो। और साथ ही साथ गाइस, गोडल अमर लाइव थे तो उनके लाइव चैट पर काफ़ी ज़्यादा स्पैम हो रहा था कि आप जो है गोडल का लेकर कुछ हिंट दे दो या लीक दे दो। तो गाइस, इस चीज़ का रिप्लाई देते हुए गोडल अमर बताते हैं कि बहुत जल्द क्रॉन्टन जो है वो गोडल लीव करने वाले हैं, क्योंकि गाइस ये चीज़ जो है सच भी हो सकती है, वो फनी वे में बोलते हैं, लेकिन गाइस ये चीज़ जो सच हो सकती है, क्योंकि गाइस आप सभी को ऐसा ऑलरेडी पता है कि एक ही ऑर्ग से जो 2 BGMI की लाइनअप नहीं खेल सकती है, और आप सभी को ऑलरेडी पता है कि क्रॉन्टन भी जो है वो कॉम्पिटेटिव खेलते हैं, तो हो सकता है वो कॉम्पिटेटिव ओनली खेलने के लिए जो किसी और दूसरे ऑर्ग को ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, इस चीज़ पर जो गोडल अमर क्या कुछ कहते हैं वो अपने स्क्रीन पर छोटा सा क्लिप देख सकते हो। अमर भाई कोई लीक दो ना, फ्रंट एंड गॉडल छोड़ रहा है गाइस, जल्दी है ले लिया, मिल गया लीक गाइस। ये मैं हूं, ये मेरी जर्सी है, और पीछे ना जीवा चीता है। तो गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि गाइस जरा अमन की तरफ से। तो गाइस, आप सभी को पता होगा रिसेंटली अमन जो है चिमिनी स्पोर्ट्स के साथ खेल रहे थे और वो जो है चिमिनी स्पोर्ट्स को ट्राईआउट्स दे रहे थे, और गाइस इनका जो है लाइनअप वो कंफर्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि गाइस चिमिनी स्पोर्ट्स ने रिसेंटली एक ट्रेलर और फोटो जो है पोस्ट किया है, जो कि गाइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस चीज़ से जो है कंफर्म हो जाता है अमन जो है अभी जो है चिमिनी स्पोर्ट्स के साथ ही खेलने वाले हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि गाइस जरा चाइना के गेमिंग रूल्स को लेकर। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि चाइना जो है कितने खतरनाक वाले जो है गेमिंग रूल्स लाता रहता है, तो रिसेंटली उन्होंने जो एक और रूल लॉन्च, जिसमें कि गाइस उन्होंने बताया कि जो 18 साल से नीचे वाले बच्चे हैं वो जो है पूरे वीक में ओनली 3 ही आवर खेल सकते हैं। जी हाँ गाइस, पूरे वीक का बता रहा हूँ, डे का नहीं बता रहा हूँ, यहाँ इंडिया में तो पूरे डे में जो है 6 आवर्स खेलते हैं बच्चे, लेकिन जो है गाइस मैं बता दूँ चाइना में जो है अभी उन्होंने एक नया रूल पास किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें जितने भी सारे ऑनलाइन वीडियो गेम्स है वो जो सारे बच्चे अभी जो है पूरे वीक में 3 ही आवर्स खेल सकते हैं। वेल, वो जो है आप न्यूज़ अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सो गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि गाइस BGMI के 1.6 अपडेट को लेकर। तो गाइस, आप सभी को पता होगा इसका न्यू अपडेट
आने वाला है। और गाइस इसी न्यू अपडेट में आपको वीकेंडी 2.0 फिर से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गाइस आप सभी को पता हो कि वीकेंडी मैप जो हट चुका था, जो कि गाइस फिर से वीकेंडी मैप आने वाला है 2.0 के नेम से। सो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की, जो कि गाइस एक 19 ईयर ओल्ड जापानीज प्लेयर को लेकर। तो ये गाइस एक जो है पबजी मोबाइल के प्रोफेशनल प्लेयर है और इनको जो है PMJL यानी कि पबजी मोबाइल जापान लीग के फेस टू का एक टूर्नामेंट होने वाला था, तो उससे जो इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब इसका रीजन ये बताया गया कि ये जो एक माइनर गर्ल के साथ जो है ड्रिंक करते हुए देखे गए, जिसके कारण जो है इनके और को भी पेनल्टी भरना पड़ा है और इनको भी जो है टूर्नामेंट से बैन कर दिया गया है। सो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की, जो कि गाइस आ रहा है कुछ माइलस्टोन्स को लेकर। तो गाइस टेक्नो गेमर्स ने कंप्लीट के लिए टोटल 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, जो कि गाइस काफी बड़ी अचीवमेंट है। और साथ ही साथ गाइस SATLM टोटल कंप्लीट के लिए 800 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो आई होप गाइस मैंने आपको जितने भी सारे न्यूज बताए आपको पसंद आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। और हाँ गाइस, अगर आप किसी तरह का न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे डायरेक्टली जाकर आप मुझे न्यूज सबमिट कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं इसी तरह के न्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।